आया हूँ कि काफी लोगों के लगातार कॉल और मैसेज मिलते रहते हैं। वैसे पूरे दिन से शाम तक मैं इसलिए बिजी रहता हूँ क्योंकि अब 30 मार्च को मेरी सिस्टर्स की शादी है, तो मैं कार्ड बांटने में बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं समय नहीं दे पा रहा। लेकिन फिर भी मैं फोन पे कुछ अधिकारियों से बात करके लगातार आप लोगों के स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का परिणाम कब जारी होगा, सेकंड ग्रेड के आंसर की कब जारी होगी, अध्यापक भर्ती परीक्षा की आंसर कब जारी होगी, परिणाम कब जारी होगा, पीटीआई भर्ती परीक्षा का परिणाम कब जारी होगा, सीईटी 12वीं लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की उसका परिणाम कब जारी होगा, और तमाम कई चीज़ों को लेकर जो अभी मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से हमारी वार्ता हुई थी, 6 सदस्य प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। क्या क्या वार्ता में हुआ मैं आपको लाइव आकर नहीं बता पाया था, लेकिन मैं अब लाइव जुड़ा हूं तो कई चीजों को लेकर मैं चर्चा करूंगा। साथियों, लाइव आज का महत्वपूर्ण है, और एक चीज तो मैं कह रहा हूं, जो सेकंड ग्रेड के जो अभ्यर्थी बार बार मैसेज कर रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा, साथियों कई और भी संगठन हैं, आप खुद अभ्यर्थी भी हैं, मैं अब 30 मार्च तक समय नहीं दे पाऊंगा, ना MRPSC जा पाऊंगा, ना धरना प्रदर्शन कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मेरी सिस्टर्स की शादी है, तो मुझे बहुत कुछ जिम्मेदारी निभानी है। इसलिए जो आप खुद भी RPSC जाकर प्रयास करें सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के आंसर की और परिणाम जारी हो, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी कह रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड का पहले आए परिणाम, ज्वाइनिंग पहले हो, वहीं सेकेंड ग्रेड के पहले परिणाम आए, फिर ज्वाइनिंग हो, फिर थर्ड ग्रेड का। हालांकि मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव कुलदीप राका जी और सचिव आरती डोकरा जी के सामने मैंने बात रखी है, और मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव कुलदीप राका जी ने भी माना है कि हाँ, यदि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड क्रमश से परिणाम आएगा, क्रमश से ज्वाइनिंग होगी, तो कहीं ना कहीं सीटें खराब नहीं होगी, इस बात को उन्होंने भी स्वीकारा है। आप कभी मुलाकात करो तो आप भी पूछ लेना, मैंने आपकी पीड़ा आपकी बात मजबूती से मैंने मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब के सामने और सचिव साहब के सामने रखी है, और उन्होंने भी इस बात को माना है। लेकिन अब लगातार कह रहे हैं कि सेकंड ग्रेड, क्योंकि साथियों RPSC के जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं फर्स्ट ग्रेड में, और अगले वीक से परिणाम जारी होना भी शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक साथ परिणाम आ गए, नहीं, परिणाम शुरू हो जाएंगे, पहले अलग अलग विषय के परिणाम जारी होंगे, तो अगले वीक से परिणाम जारी होना शुरू हो जाएंगे, जहां तक मैंने पता किया, अधिकारियों से बात की, उन्होंने मुझे कहा अगले वीक के लिए, तो अगले वीक से परिणाम जारी होना शुरू हो जाएंगे, जहां तक जो मुझे अधिकारियों ने कहा, मैं मेरे मन से नहीं बता रहा, जो चीजें मुझे पता चली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगले वीक से शुरू हो जाएंगे। और अब अंदर की बात तो अधिकारी जाने, जो मुझे पता चली जो मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ, अब वो टीम जो फर्स्ट ग्रेड में लगी हुई, लेकिन अब सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी कह रहे हैं कि इसका परिणाम जारी हो, तो साथियों मैं इस पर शब्दों में कह रहा हूं, मैं 30 मार्च तक मैं बिजी हूं, इसलिए आप लोग खुद जाइए, और अभ्यर्थी जो लोग और भी जो संगठन है वो जाके प्रयास करें कि सेकंड ग्रेड का भी थर्ड ग्रेड से पहले आए। लेकिन ये जरूर है कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग फर्स्ट थर्ड ग्रेड के अभ्यर्थियों से पहले हो जाए, क्योंकि 48,000 है अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम, जो 48,000 पदों पर जारी होगा, 2 गुना का जारी होगा, तो उनके दस्तावेज सत्यापन में समय लगेगा और उसकी काउंसलिंग सब जगह समय लगेगा। ऐसे में स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का पहले परिणाम भी आएगा और पहले उसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब सवाल उठ रहा है कि यदि सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों को भी पहले ज्वाइनिंग हो जाए, तो कहीं ना कहीं कई थर्ड ग्रेड के अभ्यर्थियों में कई लोगों का नंबर आने में अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या है कि कई अभ्यर्थियों का फर्स्ट ग्रेड में भी चयन होगा, सेकंड ग्रेड में भी होगा, तो सब लोग चाह रहे हैं कि पहले फर्स्ट ग्रेड, फिर सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हो। मैं आपकी भावना समझता हूं और मैंने आप लोगों की बात भी रखी है, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी होगी कि मैं आपको पूरा समय नहीं दे पा रहा, ना RPSC जा पाऊंगा, क्योंकि मैं घर की जिम्मेदारी में बिजी रहूंगा, शादी है सिस्टर की, इसलिए आप लोग प्रयास करें। कई लोग कह रहे हैं कि मैं सेकंड ग्रेड की चर्चा नहीं कर पा रहा, मेरी मजबूरी, चर्चा क्या करूं, मैं झूठा ट्वीट नहीं कर सकता कि आंसर की अब आ रही है, परिणाम आ रहा है, जो सच बताना मेरा कर्तव्य है, जो मैंने आप लोगों को बताया, इतना सा प्रयास आप लोगों को करना पड़ेगा। और जो और भी जो संगठन है जो कहते हैं कि हम युवा हितैषी और हम आवाज उठाना बुलंद करना चाहते हैं, उनके पास अच्छा मौका है, मैं नहीं रहूंगा तो उनको बेहतरीन कार्य करना चाहिए, परिणाम जारी करवाकर आप लोगों का हितैषी बनना चाहिए, तो वो भी प्रयास करें। तो साथियों अगले वीक से फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने की पूरी संभावना, यानी कि विषयों का परिणाम जारी होना शुरू हो जाएंगे। ये तो आप लोगों के लिए अच्छी अपडेट है, जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए जो इंतजार कर रहे थे परिणाम के लिए। एक चीज कह रहे हैं कि आंसर की कब जारी होगी, तो मैं आपको बता दूं, अगले वीक में 100% संभावना है कि अध्यापक भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी हो जाएगी। उसके बाद 3 दिन या 4 दिन जो भी है ना, 7 दिन, 3 दिन हो सकते हैं, शायद 7 दिन भी हो सकते हैं, 5 दिन भी हो सकते हैं, संभावना 3 दिन की, वो आप लोगों को ऑब्जेक्शन जो आप लोगों से जो मांगे जाएंगे उसमें दे सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक, मैंने हालांकि फर्स्ट या सेकंड वीक तक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो सकता है, संभावना है फर्स्ट या सेकंड वीक, यानी कि कुल मिलाकर 14 अप्रैल तक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम
जारी होने की 100% संभावना है। मैं संभावना क्यों यूज करता हूँ, हालांकि जारी हो जाएगा, संभावना इसलिए यूज करता हूँ, कई बार कई समस्या जाती है जिस कारण से 2-4 दिन लेट हो जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं 14 अप्रैल तक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने की 100% संभावना है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और अब देखना मेरे हिसाब से ये बात 100% सही निकलेगी। इसके अलावा मैं ये कह रहा हूँ कि जो सीईटी बारहवीं लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की भी मैंने 5 दिन एक्स्ट्रा और बताया है, क्योंकि 20 तक मैंने बोला है कि दोनों का परिणाम आ जाएगा, लेकिन संभावना फर्स्ट या सेकंड वीक में सीईटी का दोनों का परिणाम जारी होने की संभावना, पहले एक का फिर दूसरी का आएगा सीईटी में, जो ऐसे में मैंने 20 अप्रैल 5 दिन एक्स्ट्रा और बताया, यानी कि 20 से पहले 100% आप लोगों का सीईटी का जो परिणाम इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार खत्म हो जाएगा, परिणाम जारी हो जाएगा। अब सवाल है पीटीआई भर्ती परीक्षा का, पीटीआई भर्ती परीक्षा का परिणाम अब तेज गति से शुरू हो चुका है, क्योंकि लाइब्रेरियन का परिणाम आ चुका था, अब आपका परिणाम तेज गति से शुरू हो चुका है। तो साथियों मैं कोशिश कर रहा हूं फर्स्ट वीक अप्रैल में जारी करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं कल चेयरमैन साहब से कल भी मिला था, कल मैं कार्ड देने गया था, तो मैंने कल भी चेयरमैन साहब से मुलाकात की थी, जो पीटीआई भर्ती के जो अभ्यर्थी है जो तमाम है उनसे ये कहना चाहूंगा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं फर्स्ट वीक में जारी करवाने की, लेकिन अभी तक मैं संभावना आपको बता दूं 10 अप्रैल से पहले जारी होने की 100% संभावना है, लेकिन फिर भी मैं 14 अप्रैल 4 दिन एक्स्ट्रा लेके जा रहा हूं, क्योंकि कई लोग विश्वास इंतजार करते हैं फिर वो एक एक दिन के लिए त्रस्त है कब आएगा, इसलिए मैं 4 दिन एक्स्ट्रा और बता रहा हूं, यानी कि 14 अप्रैल से पहले पीटीआई भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो जाएगा 100%, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं पुनः बता दूं अप्रैल फर्स्ट वीक में जारी कराने की कोशिश कर रहा हूं, वैसे संभावना यह है 10 अप्रैल से पहले जारी हो जाएगा, लेकिन मैं 14 अप्रैल इसलिए बता रहा हूं, कई बार कई चीजें आ जाती है, क्योंकि आपके स्पोर्ट्स के जो सर्टिफिकेट है उनके नंबर जुड़ेंगे, मेरिट में नंबर जुड़ेंगे, तो उसकी बारीकी से जांच करने में समय लगेगा, हालांकि अब कार्य तेज गति से शुरू हो चुका है, और मैं कोशिश कर रहा हूं पुनः इन शब्दों को मैं दोहरा रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं पीटीआई भर्ती परीक्षा परिणाम अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह में जारी करवाने की, लेकिन संभावना 10 अप्रैल तक की है, लेकिन यदि टेक्निकल कई समस्या आ जाती है, वो जो आपके जो स्पोर्ट्स के जो नंबर जुड़ जाएंगे तो एक्स्ट्रा लग जाए, तो 14 अप्रैल से पहले, यानी कि 3-4 दिन एक्स्ट्रा लग भी जाए तो 14 अप्रैल से पहले जारी होने की संभावना, लेकिन जो हमने आप लोगों के लिए पीटीआई भर्ती की जो अभ्यर्थी है उनको मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो सुमेर सिंह पलसानिया जो पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थी है, मुख्यमंत्री जी के सामने खुद ने उसने बात रखी थी, मैंने रखी थी, और मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव कुलदीप राखा जी और सचिव आरती डोगरा जी के सामने भी उस अभ्यर्थी ने बात रखी थी, जहां तक अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता हो जो भी होगी हम पूरा प्रयास करें, शिक्षा मंत्री जी के पास रखी थी, लेकिन मैं एक्स्ट्रा क्योंकि पीटीआई की भर्ती के जो अभ्यर्थी है मैं उन लोगों के कई बार देख रहा हूं, कई लोग मुझे कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा चिंतित दुखी है, परिणाम कब आएगा, तो मैं जानबूझकर कुछ दिन एक्स्ट्रा 14 अप्रैल बता रहा हूं, कोशिश मेरी ये रहेगी फर्स्ट वीक की रहेगी, तो फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थियों ने इंतजार किया, थोड़ा सा इंतजार करो, आपने बहुत इंतजार किया, लेकिन चिंता ना करो, मेरे पूरा प्रयास रहेगा कि जो जुलाई का शुरू होने वाला है उससे पहले आपको स्कूलों में ज्वाइनिंग दिलाने का। एक चीज और कह रहा था, प्रयोगशाला सहायक भर्ती का प्रोविजनल परिणाम जारी होने में थोड़ा सा समय लगेगा, सेकंड ग्रेड की मैंने चर्चा की है, पीटीआई की मैंने चर्चा की है, स्कूल व्याख्या भर्ती परीक्षा की मैंने चर्चा की है, लाइव में कमेंट आ रहे हैं उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं एक चर्चा करूंगा मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से वार्ता हुई उसमें क्या क्या निकला। साथियों एक चीज मुझे अच्छी लगी, यदि उस मामले को माना जाए, सहमति बनी है, आप भी सोचना कि वो कितनी अच्छी मांग है, मैंने उनके सामने एक बात रखी है कि अलग अलग भर्तियों के जो अभ्यर्थी जो सीएमओ में मुख्यमंत्री सचिव ज्वाइंट सेक्रेटरी और जो मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव को ज्ञापन देते अलग अलग जगह से ज्ञापन देते, कम से कम उनके प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर प्रमुख मुख्य सचिव या डीओपी सेक्रेटरी मीटिंग ले, क्योंकि उस भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी प्लस संबंधित विभाग के अधिकारी और इसके अलावा मुख्य सचिव या डीओपी सेक्रेटरी मीटिंग ले, तो उस पर सहमति जलाइए। मैंने कहा कम से कम एक महीने में एक मीटिंग हो जाए तो मेरी उपेन यादव की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, मेरा बेरोजगार जो भटक रहा है ज्ञापन लेकर, कभी आरपीएससी जाता है, कभी बीकानेर जाता है, कभी कर्मचारी चयन बोर्ड जाता है, कभी हाईकोर्ट जाता है, तो कम से कम उनको जाने का अधिकार है, वो अपनी बात रख सके और विभाग के अधिकारी कह सकते हैं कि परिणाम जारी होने में इतना समय लगेगा, विज्ञप्ति जारी होने में इतना समय लगेगा, और सारी चीज उन अभ्यर्थियों को पता चले, तो इस पर सहमति बनी है साथियों, ये बहुत अच्छी सहमति बनी है, इसको लागू करते हैं तो पर महीने आप लोगों की मीटिंग हो मुख्य सचिव स्तर पर या डीओपी सेक्रेटरी के स्तर पर, तो आप लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। ये मैंने सोच समझकर बात इसलिए रखी है क्योंकि मैं आप लोगों को भटकते हुए देखता हूं, कोई कभी ऊर्जा विभाग में विद्युत भवन में जा रहा है, कोई बीकानेर जा रहा है, तो आपकी पीड़ा मेरे से बेहतरीन कोई नहीं समझता, मैं उस पीड़ा की समस्या हल करवाने के लिए कि अभ्यर्थी संबंधित भर्ती का अभ्यर्थी वहां जाए और बात रखे, इस पर सहमति जताई है मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव कुलदीप राखा जी ने। अब इस आदेश को कब लागू करते हैं, कब से मीटिंग शुरू करवाते हैं, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, मैं निवेदन और कर लूंगा, लेकिन
इस पर सहमति बनी है। तो जैसे जो लगातार मुझे कमेंट कर रहे हैं, चाहे वो पशु चिकित्सक भर्ती 2019 का हो, चाहे सीईटी का हो, जिन लोगों के लगातार कमेंट आ रहे हैं, मोटर वाहन उपनिरीक्षक जो भी है ना, तो संबंधित भर्ती के अभ्यर्थी वहां जाकर अपने मुख्य सचिव स्तर पर जो वार्ता होगी या डीओ के सेक्रेटरी के स्तर पर जो वार्ता होगी, संबंधित उस भर्ती से संबंधित विभाग के जो अधिकारी और पीड़ित अभ्यर्थी बैठ कर चर्चा होगी, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को न्याय मिलेगा। ये चीज मैंने अच्छी सहमति बनी है साथियों आप लोगों के लिए। अब इसको लागू कराने की मैं कोशिश करूंगा कि जो मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से वार्ता हुई थी, पहले मुख्यमंत्री जी से हुई थी, मुख्यमंत्री जी को मैंने 17 सूत्रीय मांगों का जो मांग पत्र दिया था, गुजरात और लखनऊ समझौता का मांग पत्र पहले से सरकार के पास मौजूद है। कई लोग सवाल कहते हैं कि हमारी मांग पत्र में मांग शामिल नहीं है, जय पंचायत राज एलडीसी भर्ती में 6000 पद जो एक सूची की मांग कर रहे हैं, कई जो तमाम भर्ती की जो मांग कर रहे हैं उनका पहले के मांग पत्र में शामिल है। वहीं पंचायत राज जैन भर्ती का अभ्यर्थी सरदार